वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आई चलते एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, उसमें आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, हमारे पास कुछ रजिस्टर्स हैं और इस पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वैल्यूज़ क्या लिखी हुई है इस पर। तो आप देख पा रहे होंगे इस पर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। आप जैसे इस पर वैल्यू लिखी है 100, तो ये 10 ओम का हुआ। 2R2 तो 2.2, 2R2 2.2, और इसमें और वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो इनके हिसाब से हम इसमें क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और फिर हम मल्टीमीटर से इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर पे आप इसको डायोड मोड पर या रजिस्टर का जो वैल्यूज़ होता है रजिस्टर मोड, यहाँ से आप 200 ओम, 2000 ओम, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम और 2000 किलो ओम पर रख के आप इसको चेक करते हैं। अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर आपको इन वैल्यूज़ के हिसाब से, जैसे जो भी लिखा होता है उसके हिसाब से आपको इसमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। आप जैसे लिखा है आपका 2R2 तो 2.2, 100 तो आपका 10 ओम, और जो भी वैल्यू होती है, तो 2R2 है तो 2.2, 3R2 है तो 3.2, इसके अलावा जैसे लिखा है आपका 851 या 151, तो जो लास्ट वाली वैल्यू वो 0 हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको फिर डायोड मोड या मल्टीमीटर मोड पे रख के इसको चेक करते हैं। 20 ओम तक हम नॉर्मली यहाँ पर बीप मिल जाती है, फ्यूजेबल रजिस्टर्स होते हैं, उसके ऊपर 200 ओम, 2000 ओम, 20 किलो ओम, इसको इस तरह से चेक करते जाते हैं। तो आइए मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से आपको चेक करना होता है और कैसे इसके दोनों पॉइंटों को कैसे रखना होता है। तो चेक करो, तो देखिए ये चेक करने जा रहे हैं और आपको वैल्यूज़ इसमें आपको दिखाएंगे। तो देखिए, कोई भी एक रजिस्टर हम ले लेते हैं, तो इनके दोनों पॉइंटों को आप आराम से चेक करिए और इसको जब आप चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपको मल्टीमीटर पर ये दिखाएगा। इनको रख लेने दीजिए, फिर मैं आपको मल्टीमीटर पे दिखाता हूँ। तो देखिए, ये बेसिकली अब हम इसको 200 पे रख लेते हैं, बीप नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 12 ओम, आराम से रखो, तो ये देखिए 5.2 कुछ ओम का ये रजिस्टर है। तो इस तरह से आपको सारी वैल्यूज इसमें देखने को मिलेंगी, आप रखते जाएंगे और ये क्या करेगा, दिखाता जाएगा। दूसरे पे रखो, अब देखिए 2R2 पे रख रहे हैं या किस पे रख रहे हैं वो मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन इधर रखते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है, 100। तो अब इसको देखिए, यहाँ पर हम इसको भी चेक कर लेते हैं कितना है ये। तो अगर वैल्यू नहीं दिखा रहा है और रखने पर भी नहीं दिखा रहा तो हम उसको ख़राब मानते हैं, और जो वैल्यू लिखी है उससे ऊपर दिखा रहा है तो भी हम उसको ख़राब मानते हैं। 10-5% ऊपर नीचे चल सकता है। देखिए यहाँ पर ये कितना दिखा रहा है, ये 10 के आसपास दिखा रहा है, ठीक है। देखिए 10 के आसपास दिखा रहा है, और इस पर लिखा कितना है, इस पर लिखा है 100। तो आप देख रहे होंगे 100 है, तो एक जीरो हट चुका है, और यहाँ पर ये कितनी दिखा रहा है वैल्यू, 10 दिखा रहा है। तो इस तरह से आपको ये वैल्यूज चेक करना आना चाहिए रजिस्टर्स की, और ये प्रॉपर तरीके से क्या करेगा। देखिए 12 के आसपास दिखा रहा है, चलेगा अगला और 17 का। अब इस पर कितना लिखा हुआ है, कल से हम लैपटॉप के नए बैचों की सीरीज चालू कर रहे हैं, तो जिन्हें भी एडवांस लेवल सीखना है वो ज़रूर हमसे ज्वाइन करें, और कहीं भी ज्वाइन करने से पहले ज़रूर समझिए चीज़ों को। देखिए 4.8, तो ये 5 ओम का रजिस्टर है करीब करीब। अगला दिखाओ, कितना लिखा है, 151। सही सही, देखिए 154 के आसपास दिखा रहा है, 140 सही से लगा, सही से लगा नहीं है। ये देखिए 150 के आसपास दिखाता है, ये है 151। तो 151 मतलब हम 150 इसको मान के चलेंगे, तो ये 10-5 ऊपर नीचे चल जाता है। अगला दिखाओ, आप देख पा रहे होंगे 2R2 है, तो इसको भी रखना इसी तरह से आपको, तो नॉर्मली क्या करेगा आपको दिखा देगा। अगला दिखाओ, कितना लिखा है, 222, तो 2200, तो 2.2 किलो ओम के आसपास ये क्या करेगा, दिखाएगा। सही से लगाओ, देखिए 2.2 दिखा रहा है, और यहाँ पर 222 लिखा हुआ है, तो 222 का मतलब 2.2, तो ये देखिए 2.2 किलो ओम यहाँ पर क्या करेगा, ये शो करेगा। ये देखिए सही से लगा, आराम से, ये 2.2 दिखा दिया। अगला दिखाइए क्या लिखा है, 1R0, 1R0, तो बीप आनी चाहिए इस पे,
ये देखिए बीट दे रहा है। तो इस तरह से रजिस्टर्स आपको चिप लेवल सारे क्या करने आने चाहिए, चेक करने आने चाहिए, और ये प्रॉपर तरीके से आपको तभी आएंगे जब आप देखिए बीट दे रहे हैं। आप प्रॉपर तरीके से हमें ज्वाइन करें, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए हमारे पास दीपक सर, अंकुश फ्रिज एसी डीजे के लिए, दास सर हमारे पास फ्रिज एसी के लिए। इसके अलावा हमारे पास पूरी टीम है 10 से 15 टीचर्स की जो आपको एक्चुअल सारी ट्रेनिंग्स देती है। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, हर तरह के कोर्सेज आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं भी आप स्कीमेटिक के चक्कर में, कहीं भी आप डेमो के चक्कर में ना पड़ें। 45वें दिन आप लैपटॉप रिपेयर कर लेंगे और 30वें दिन आप मोबाइल रिपेयर करेंगे। 10वें 20वें दिन आपको हम टीवी रिपेयर करना सिखा देते हैं। डीजे कम से कम 45 दिन लगता है। तो आप एक्चुअल अगर हमारे पास सीखेंगे तो ही चीज़ों को क्लियर समझ में आएगा आपको। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से कोई 80,000 ले रहा है लैपटॉप में, कोई 60,000 ले रहा है, और भोपाल में भी कई इंस्टीट्यूशन हैं जो बहुत बुरी तरह से बच्चों का करियर बर्बाद कर रहे हैं रिपेयरिंग के नाम पर। तो सोच समझ कर एडमिशन लें, सोच समझ कर ज्वाइन करें। लैपटॉप वोल्ट इन सेक्शन, वोल्ट आउट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, 3-5 सेक्शन, 1.05, 0.95, GPX, CPU, RAM सेक्शन, सारे डिफरेंट वोल्टेजेस, लैपटॉप के स्टेट्स, लैपटॉप में सारी चीज़ें डिटेल के साथ, लैपटॉप में माइक्रो लेवल तक। हमने माइक्रो लेवल बोलना चालू किया है तो लोगों ने भी माइक्रो लेवल बोलना अब भोपाल वालों ने चालू कर दिया है। हमने डीजे पढ़ाना चालू किया, लोगों ने डीजे लिखना चालू कर दिया। लिख देने से कुछ नहीं होना है, बोल देने से कुछ नहीं होना है। डीजे एक्चुअल जिसने काम किया है फील्ड में 10 साल 5 साल, उसको जिसको एक्सपीरियंस है वही करा सकता है। तो सोच समझ कर कहीं भी एडमिशन लें। थैंक्स फॉर